बाहर देखा जाता है कि लोग बाहर कड़कस गर्मी में जब धूप लगता है उनको, गर्मी लगता है, तो कोल्ड ड्रिंक्स एकदम ठंडा ठंडा या फिर एकदम ठंडा पानी पी लेते हैं। ये कितना हानिकारक और किस लेवल तक आपको मतलब पहुंचा सकता है आपको? बिल्कुल, अभी तो बहुत सारी समस्याएं देखने आता को मिल रहा है लोगों में कि बाहर से आते हैं वो तेज ठंडा फ्रिज का पानी पी लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, तो उसमें खाड़ी की समस्या आ जाती है, क्योंकि हार्ट जब पंप करता है आप अचानक बहुत सारा चीज़ जो ठंडा अचानक से लेते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, एम्बोलिज्म होने का चांस होता है और चेस्ट पेन होने का चांस होता है, होता है चेस्ट पेन। आप अचानक गर्मी से आए हैं ठंडा लेंगे तो आप चेस्ट पेन हो सकता है, तो कोशिश करना चाहिए कि जो हृदय रोगी हैं, मधुमेह के रोगी हैं, वो कोल्ड ड्रिंक का प्रयोग ना करें। और जो जिम के दौरान भी लोग पूरा हार्ड वर्क करते हैं उस समय ठंडा ठंडा पानी ले लेते हैं, ठंडा कोल्ड ले लेते हैं, वो उस समय नहीं करेंगे। आप जिम जाने से पहले आप पानी पी लें, उसके जिम करने के बाद आधे आधे घंटा के बाद आप पानी पिए, उस पर आप नॉर्मल पानी थोड़ा बहुत आपको ज़रूरत रहता है तो आप पी सकते हैं, लेकिन आपको चिल्ड वाटर नहीं पीना। तो शायद इसीलिए जिम में हार्ट अटैक आता है क्या, ये भी कारण हो सकता है? हार्ट अटैक आने का बहुत सारा कारण है, उसमें हो सकता है बहुत ज़्यादा आप हार्ड वर्क कर रहे हो, आप उस हिसाब से आप अपना एनर्जी नहीं ले रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाउडर यूज़ कर रहे हो, और है कि आप पहले से भी आप हार्ट के रोगी रहे हो, आपका मतलब माँ पिताजी किस तरह की बीमारी रही, तो ये भी एक मुख्य कारण है, केवल जिम इसका मुख्य कारण नहीं हो सकता।